आज मेरे पास है दो पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन, एक आईफोन 8, एक सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस, दोनों भी सिर्फ 15,000 रुपए में। ये 15,000, ये भी 15,000 ऑलमोस्ट, लेकिन कैसे? अब ये आपको बताए कैसे पॉसिबल हुआ है, क्योंकि दोनों फोन्स जो है वो रिफर्बिश्ड है। आज इस वीडियो में आपको हम वो बताएंगे कि ऑनलाइन अगर आप रिफर्बिश्ड फोन्स लेते हैं, पुराने फ्लैगशिप फोन्स, अभी जब उस वक्त उनकी प्राइस 50-60-70 हज़ार होती है और अभी आपको 15-16-20 हज़ार में मिलता है, तो क्या ये सारी चीज़ें लेना वर्थ नहीं है? इनकी कंडीशन कैसी होती है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स का क्या सीन है, वारंटी कितनी है, मोड्स ऑफ पेमेंट्स कैसे है, सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो एजुकेशनल टाइप वीडियो है ये, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। दोनों फोन हमने खुद परचेस किया है और आपको सिर्फ गाइड करेंगे, और ऐसे वीडियोस बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए हमारे एफर्ट के लिए आप हमें हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तो टोटली फ्री है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब सबसे पहले बात करेंगे आईफोन 8 की। ये दोस्तों 2017 का फ्लैगशिप फोन था, 64 GB, 64,000 के आसपास इसकी प्राइस थी। हमें कैशिफाई.com पर ये 15,000 पर मिल रहा था। हमने सोचा ये बेस्ट डील होगा, मंगा कर देखते। कैशिफाई.com पर अगर आप जाके रिफर्बिश के सेक्शन में जाएंगे ना, इसके साथ साथ काफी सारे फोन से जो एक जमाने में 50-60-70 हज़ार की रेंज के होते थे, यहाँ पर 10-12-13-15-20 हज़ार की रेंज पर मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। वहां पर भी आपको हर फोन पर अलग अलग तरीके के ऑफर्स रहते हैं, सुपर कंडीशन होता है, गुड कंडीशन होता है, फेयर होता है वगैरह, उसके हिसाब से आप उन फोन्स को चूज करिए। सब फोन्स पर अलग अलग तरीके के किसी पे 6 महीने की वारंटी रहती है, उनमें 7 डेज का रिप्लेसमेंट भी रहता है, और क्वालिटी चेक्स वगैरह रहती है, ये डिपेंड करता है। फिर हमने आईफोन 8 चूज किया, पेमेंट करने के लिए देखा कि भाई क्या होता है ऑनलाइन रिफर्बिश्ड में, तो बहुत सारे मोड्स ऑफ पेमेंट्स थे। आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, आपको EMI ऑफर मिलता है, डाउन पेमेंट वाला ऑप्शन मिलता है, बाय नाउ पे लेटर वगैरह वगैरह, इनफैक्ट कैश ऑन डिलीवरी भी था, हाँ, और 99 रुपीज के कुछ चार्जेस थे। हमने इसमें कार्ड से पेमेंट किया और 15,000 रुपये पर हमने इसको बुक किया था। उसके कुछ दिन बाद हमें ये फ़ोन मिला, मैं सरप्राइज्ड हो गया, मुझे नहीं लग रहा था कि इतना जल्दी आएगा, लेकिन जल्दी आ गया, और पूरा पैक्ड था, बॉक्स कुछ ऐसा था, और इस पर फोन प्रो सर्टिफाइड लिखा था, यानी कि ये जो फोन प्रो है ये क्वालिटी चेक वगैरह करते हैं एक्सेसरीज फोन सबकी, और ये सर्टिफिकेशन देते हैं। ज्यादातर आई थिंक ये सुपर कंडीशन वाले फोन लेते, कुछ ऐसे हाई कैटेगरी वाले लेते, उनमें ऐसे कुछ सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी। हमने फिर क्या किया, वीडियो बनाया, आपको बताया क्यों, क्योंकि साबुन का टुकड़ा ना निकले अंदर से, डर लगता है ना इस हिसाब से, आपको बताने के लिए। तो पूरा सील विल तोड़कर पूरा वीडियो बनाया, और देखा तो वाकई में अंदर ये फोन निकला, मैं बच गया और साथ में एक्सेसरीज भी थी। और उसके अलावा सबसे पहली चीज जो मैंने इसमें चेक किया वो इसकी कंडीशन, क्योंकि डर लग रहा था कि भाई रिफर्बिश्ड तो कुछ कांड ना हो जाए, 15,000 में मिल रहा है भाई, तो मुझे स्क्रैचेस नहीं दिखाई दिए। अब हमने भी सुपर कंडीशन वाला कैटेगरी चूज किया था, तो यहाँ पर बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं थे, और ये ओरिजिनली लग रहा है, चाइनीज नहीं लग रहा था, सॉफ्टवेयर भी कभी कभी चाइनीज चढ़ा कर दे देते ना इसके बॉडी के अंदर, वैसा कुछ नहीं था। और इसमें iOS 15 का भी अपडेट आ रहा था, वैसे iPhone 8 जो है वो iOS 16 के लिए भी कंपेटेबल है, वो फ्यूचर में हो जाएगा, बट हमने कैमरे से फोटोज लेके देखा, चार्ज पर लगा कर देखा, ओवरऑल कंडीशन सही लग रही थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ठीक है ना, अगर 3-4 साल पुराना फोन जो 50-60 हज़ार का है वो आपको अभी अगर 15,000 पर मिल रहा है, तो हाँ यू कैन ट्राई, बट मैं फोर्स नहीं करूंगा, आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, ऐसा मत करिए, बट मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये चीज़ दिखाया कि हमारे पास जो फिलहाल के लिए ये वाला फोन आया ना, हमें एक्सपीरियंस थोड़ा ठीक लगा था। बाकी तो 15,000 पर अगर आपको एक बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप फोन उस समय का अभी मिल जाता है तो नॉट बैड, क्योंकि इस प्राइस पर अगर दूसरे फोन से बजट से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली पावरफुल है ही, और अभी इसकी प्राइस बढ़ गई जब हमने चेक किया था, हमें जब मिला था तो 15,000 पर मिला था, ऊपर नीचे होता रहता है, तो हाँ इससे जो एक्सपीरियंस था मेरा वो अच्छा था, लेकिन कभी कभी लोगों का खराब भी होता है, तो टोटली डिपेंड नहीं होना कि भाई टेक्नोरोज का एक्सपीरियंस अच्छा था तो हमारा भी अच्छा हो जाएगा, ऐसे भ्रम में नहीं रहना, सबका अलग अलग होता है। बाकी मेरा जो था मैंने आपको बता दिया। फिर आते हैं सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस, 2018 का ये फ्लैगशिप फोन 64,900, हमें मिला सिर्फ 15,500, कन्वीनियंस चार्जेस लगाकर 16,000, 16,000 पर कर्व्ड डिस्प्ले, भाई एकदम प्रीमियम बॉडी, कमाल का फोन, सोचो तो क्या ये भी वर्थ है या नहीं है। तो हमने इस बार वेबसाइट चेंज किया, sahivalue.com, हमने टू गुड भी ट्राई किया था बट वो मिल ही नहीं रहा था, उड़ गया लगता है, गायब हो गया, बंद हो गया, पता नहीं। मेरा प्लान था 3 फोन्स का, हाथ में फिलहाल के लिए 2 ही फोन आए, और एक ही वेबसाइट से करना होता तो फिर वो फेयर नहीं होता ना, कैशिफाई की बढ़ाइयाँ हो जाती, नहीं नहीं हमने सही वैल्यू भी सोचा आपको बताते, अब ये वहीं से लिया था। अच्छा, यहाँ पर जाने के बाद ना काफ़ी सारी वेराइटीज़ थी इनके पास, ना वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा थी, और इनमें ना ग्रेड वैल्यू सिस्टम था, गुड बैड जैसा होता
ना वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम चूज करते हैं, उसके हिसाब से फोन की कंडीशन होती है। और साथ में इसमें कुछ 6 मंथ्स की वारंटी वाला सीन मुझे नहीं दिखाई दिया, 7 डेज का कुछ रिप्लेसमेंट था वो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। और साथ में फिर हमने इसको चूज किया, बहुत सारे वेराइटीज थी, हमने मोड्स ऑफ पेमेंट्स चेक किया, तो सारे अलग अलग तरीके से आप पेमेंट्स यहाँ पर भी कर सकते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर ये थी कि कैश ऑन डिलीवरी का इशू था। जब कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट किया तो कुछ एडवांस वाले सिस्टम थे, पैसे मांग रहे थे, जबकि मतलब नॉर्मल होता ना 100 रुपया भी ले लेता हम घर पे दे दिया खत्म होगा, लेकिन ये हम थोड़ा डाउट लगा, हमने बोला भाई कार्ड से ही कर लेते, थोड़ा डर तो लग रहा था लेकिन हमने कर दिया। उसके बाद ये थोड़ा स्पैम भी हो रहे थे, वैसे तो इसमें भी बहुत स्पैम हो रहे थे, कैशिफाई में ईमेल आ रहे, व्हाट्सअप पे भी आ गए थे लोग, भाई ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एनीवेज उसके बाद ये फ़ोन आया, लेकिन इसमें इशू ये हो गया था कि आते ही इसका बॉक्स नहीं था ऑफिशियल बॉक्स। वैसे भी ये आईफोन का भी ये भी कोई ऑफिशियल बॉक्स नहीं लग रहा है मुझे, ऑलमोस्ट लग रहा है समवॉट, लेकिन ये भी आया तो सिर्फ अमेजोन के बॉक्स के अंदर आया और उसमें बबल रैप था बस। उसके बाद ये सीधा फोन हमारे हाथ में आ गया, चार्जर वार्जर कुछ नहीं दिया कमीनों ने, और साथ में कंडीशन देखा तो अच्छी थी, नॉट बैड। और ये मुझे लग रहा है साउथ कोरियन वेरिएंट है, अंदर सब कोरियन लैंग्वेज इसमें था, और साथ में इसमें बोला गया है अंदर डोको में भी मेंशन किया, तो यही लग रहा था कि ये बाहर का है। हमने सिम कार्ड वगैरह डाला तो चल रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और साथ में पीछे कुछ लेजेंड्स ने भी काम किए हैं, जैसे कि ऊपर किसी ने जेन्युइन लिखा है डबल डिस्प्ले, लेकिन नीचे जो लेजेंड है उन्होंने लिखा है डबल डिस्प्ले। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बाकी हमने फोन वोन चेक किया, अच्छा था, अभी कर्व डिस्प्ले भाई, कैमरा भी उस वक्त का तो काफ़ी बढ़िया था। और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है इसमें अपडेट्स जो हमने जब चेक किया कुछ 9 तक आया था एंड्रॉयड 9 तक, बट इसका जितना भी कंपेटिबिलिटी होगी वहीं तक आएगा, और उसके बाद फ्यूचर का तो भूल ही जाइए। और अगर गड़बड़ी कुछ होती भी है तो वो सब भी आपको समझना है क्योंकि रिफर्बिश्ड है। लेकिन यार फिर भी सोचो यार, 15,500-16,000 में आपको एक 3-4 साल पुराना फ्लैगशिप फ़ोन मिल रहा है और आपके लिए सूटेबल है, तो फिर अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट्स और ये सब चीज़ नहीं सोचते ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि भाई ये जो रिफर्बिश्ड वाले जो फोन्स का एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, हमने सिर्फ अपनी मर्जी से किया है। आप लोगों ने कहा कि कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस बनाई हैं, और ऐसे वीडियोस मैंने मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से आइडिया था, सोचा बना लूँ, आज बना ही दिया। तो यहाँ पर एक जगह पर कुछ एक्सपीरियंस अच्छा था, इस पर भी अच्छा ही है यार, ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन तो बढ़िया ही चल रहा है, सब कुछ सही है। तो अब जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपका बुरा भी हो सकता है, और मैंने बताया इसका मतलब ये नहीं कि जाके टूट पड़ना वेबसाइट पर, कैशिफाई खोल के और जाके रिफर्बिश्ड ले लेते ना, टेक्नोलॉजी ने बताया ऐसा नहीं है, सोच समझ के कभी भी अपना हाथ डालना, क्योंकि आपके पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बताया इसका मतलब भी नहीं कि जैकेट टूट पड़ना है, बस खाली एजुकेशन पर्पज के लिए बताया हो। ऑफलाइन का सिस्टम अलग है, अच्छा S9 Plus अभी इधर 15,000 का, तो ऑफलाइन में 10,000 पे भी मिल जाता है। ऑफलाइन मार्केट तो कंप्लीटली अलग है, ग्रे मार्केट जिसको हम बोलते हैं। ऑनलाइन का खाली बस आपको थोड़ा बहुत बताना था, कुछ जेन्युइन वेबसाइट्स हमने देखी, एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, बस यही था। और वेबसाइट के लिंक नहीं देने वाला डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कुछ भी नहीं। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।